सिलेबस। नीचे आ गया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड इट्स साइड। हमने मार्केट के इसमें पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ मार्केट, याद है चैप्टर? मार्केट क्या थी उसको डिफाइन किया था, इट्स अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर सी। अब अगर पूछे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इट इज नॉट अ प्लेस, ये कोई जगह का नाम नहीं है कि हमने कुमार मंडी इज अ मार्केट वेयर यू कैन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज, इट इज नॉट अ प्लेस। तो फिर क्या है, एनी ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स विद फॉरेन करेंसी विल बी नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। Okay, let's read from this. Foreign exchange market is that market in which foreign currencies are bought and sold. वो कहीं से भी कीजिए, वो आपकी foreign exchange market का part होगी, right? Basically, exchange rates are determined in the foreign exchange market, which is open to a wide range of different types of buyers and sellers. सारी दुनिया में buyers and sellers होंगे इसके, आया ना? Wide range है उनकी. ट्रेडिंग कब करते हैं वो, रात को दिन को कितने घंटे खुलती है? 24x7x365। जितनी देर घड़ी चलती है उतनी देर वो चलती है। सो इट मींस क्यों हम यहाँ सो रहे होते हैं तो कहीं दूसरी कंट्री में काम चल रहा है। सो इट मींस इट इज ओपन राउंड द क्लॉक, गॉट इट? हाँ, कोई हॉलीडे नहीं होती। हॉलीडे एक्सचेंज करना हो आपको करेंसी संडे को भी, इट्स ओपन। ओके, इट इज नॉट एनी फिजिकल प्लेस, अंडरलाइन, कोई फिजिकल प्लेस नहीं है। फिर है क्या, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं आगे, बट इट्स अ डी कंट्रोल नेटवर्क दैट इज नेवरथलेस हाईली इंटीग्रेटेड वाया मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब यहाँ बैठकर हमें पता चल जाता है कि फॉरेन में क्या फिक्स हुआ बिकॉज ऑफ गुड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। ओके, the parties involved in the market are कौन कौन है यहाँ? banks, आपको foreign exchange चाहिए तो आप कहाँ जाते हैं? bank में। specialized foreign dealers भी हैं, western union is one of those specialized foreign dealer, brokers, official government agencies, इन सब से ये सारे किसका part है? foreign exchange market का part है। क्या बंद हो गया? क्यों bank से foreign exchange मिलती है आपको? कहने का मतलब अगर फॉरेन एक्सचेंज चाहिए हो, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट इन द एक्सचेंज। इफ आई डू नॉट एक्सचेंज फ्रॉम अ बैंक आई विल एक्सचेंज फ्रॉम सम अदर पार्टी, कोई ना कोई तो होगा ना। और जब मैं नहीं कर रही हूँ कोई ना कोई तो कर रहा होगा ना। हम सो गए लेकिन दूसरी कंट्री का बंदा तो जाग गया ना, तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज चल रही है ना। दिस इज ऑन दिस बिहाफ वी आर सेइंग इट इज वर्किंग अराउंड द क्लॉक। ओके, नाउ दो तरह की, दो टाइप्स है इस मार्केट की, बड़ी सिंपल है, मेरी तरफ ध्यान दो, इसको छोड़ो। स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट, क्या है ये? स्पॉट टाइप्स और यू में से काइंड्स, टाइप्स ऑफ स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। वैसे तो नाम से क्लियर हो रहा है, ध्यान से समझते हैं। स्पॉट का मतलब ऑन द स्पॉट, स्पॉट का मतलब ऑन द स्पॉट। ये जैसे से फॉरन में मेरे बच्चा पढ़ता है तो उसको पैसे की जरूरत है, ठीक है? मैंने उसको बोला आप बेटे वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस में पहुंचिए, मैं यहाँ हूँ, मैं ट्रांसफर करती हूँ, आप निकाल लो। ओके, मैंने यहाँ वेस्टर्न यूनियन को डिपॉजिट किए, ऑन द स्पॉट माय डॉटर कैन टेक इट। सो इट इज द ट्रांसफर व्हिच कैन हैपन ऑन द स्पॉट। ये कौन से फंक्शन हुआ? स्पॉट मार्केट का। इसकी टाइप हो गई स्पॉट मार्केट के थ्रू आई कैन ट्रांसफर माय मनी इमीडिएटली एंड द अदर पर्सन कैन गेट इट, क्लियर? फॉरवर्ड क्या है फिर? मैंने आज, मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैंने आज बिजनेस बुक किया, इधर ध्यान दे प्लीज, मैंने आज बिजनेस बुक किया $100 का। आज वाला टॉपिक थोड़ा मजेदार है, हैवी, तो यू हैव टू गिव 100%, ठीक है? और ये तो जनरल है, आगे चलेंगे। $100 का मैंने आज एक बिजनेस बुक किया, आज की रेट क्या है? $30, ठीक। मैंने यहाँ से शिपमेंट करा दी $100 के सामान की, मैंने अपने बैंक को इन्फॉर्म किया भैया यहाँ से शिपमेंट हो गई, एक महीने बाद शिप अगले दिन नहीं पहुंच जाना, इट टेक्स टाइम, समटाइम्स इट टेक्स 2 to 3 months, डिपेंड्स कितनी दूर भेजना है। मैंने अज्यूम किया भैया एक महीने बाद पहुंच जाएगा, तो मैंने इसको बोल दिया अपने बैंक को, भाई 13-11 को मेरे $100 आ जाएंगे, जो मैंने बुक कब किए, मिलने कब है? फॉरवर्ड। ये ट्रेड में होता है, बिजनेस में होता है, मैंने बुक कर दिए आज, आएंगे कब?
13 नवंबर को. सो दिस इज व्हाट इज पार्ट ऑफ फॉरवर्ड मार्केट. ये कब इसको हम क्रेडिट किया दिया, एक तरह से क्रेडिट हुआ ना, मैंने आज बुक करके लिएगा महीने बाद, दो महीने बाद. सो दिस इज व्हाट इज व्हिच मार्केट परफॉर्म्स दिस फंक्शन, फॉरवर्ड मार्केट. इज इट क्लियर? एनी ट्रबल? ओके. इट मींस ये आज बुक हुए, मिलने कब है बाद में. सो इट इज रिटन इन द नोट्स. लेट्स सी स्पॉट मार्केट. It refers to the market in which the receipts and the payments are made immediately. It is of daily nature. Har roz transfer hoti hai yahan se. Yahan dala, wahan mil gaya. Daily, usi din mil gaya. Daily nature ka. Teesra, it means those transactions which are carried out on the spot. Koi trouble to nahi isme. Forward market. Pay attention on the notes. 100%. Forward market. It refers to the market in which sale and purchase of foreign currency is settled on a ये लिखा जी on specified date. लिखा साथ में at a rate agreed upon today. इस line को word करते हैं, अगले function के बाद समझ जाएगी. जो आज का rate है उसके लिए. हाँ, उसके लिए मुझे ये function perform करना होगा. पहले ही समझते हैं, अगले पेज पे आओ. अब आ गया functions of foreign market. तीन functions specify किए हैं. बताइए जरा क्या क्या है. Transfer, credit, and hedging. Transfer function is performed under which form of market? Spot market. Transfer function is performed under which type of market? On the spot market. I transferred my money to my daughter. ठीक है, जरा मनी ट्रबल. अच्छा फिर ये बताओ, क्रेडिट फंक्शन इज परफॉर्म्ड अंडर व्हिच टाइप ऑफ फॉरवर्ड मार्केट. क्रेडिट मींस बिजनेस में बुकिंग की, आज बुक की, मिलेगा कब? Maybe 1 month later or maybe 2 month बाद में. So it means ये functions कौन perform करेगा? Market ही करेगी कोई ना कोई. So transfer function is performed by spot market and credit function is performed by forward market. Actually हमें जो समझना है वो क्या है? Hedging. हम notes छोड़ दो और मेरी बात सुनो. Hedging क्या है? वैसे ये पोर्शन लास्ट टू लास्ट ईयर डिलीट हुआ था. लास्ट ईयर हमने एंड में जाके नहीं पढ़ा, वैसे मैंने पढ़ाया था. एक बार तो समझाना ही है ना, ताकि एक बार पता चल जाए. लर्न करना है या नहीं जनवरी में डिसाइड करेंगे, अभी तो करना है प्री बोर्ड के लिए, राइट? क्योंकि अभी तक कोई सिखा ही नहीं है. हेजिंग क्या है? हेजिंग इज अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस. मतलब मैंने अभी हमने बात की थी, अब मैंने $100 आज बुक किए 13-10 को. आज का रेट क्या है? Say 74 rupees. I'm taking an example, 74, 73 point something. ठीक हो गया? 74 rupees. मेरे पैसे आने कब हैं? 13-11 को. Who will guarantee कि जब 13-11 को, कल वक्त परसों 72 था, फिर 73-74 हो गया. Who will guarantee कि 13-11 को ये 74 ही रहेगा? Can you guarantee? Can anyone guarantee? No one can. Supposingly, I'm an exporter. Supposingly this exceeds to 84. बल्ले बल्ले. मुझे पता था 7400 आने हैं. बैठे बैठे मुझे कितने आ गए? I am happy. But what if it reduced to? This is a crime factor. तो भाई रिस्क है. बड़े काम हो पता नहीं क्या हो जाए. मैं I am happy with my 74. प्लीज कोई इसे फिक्स कर दो. इस फिक्सेशन को हेजिंग कहते हैं. कोई इंश्योर कर दो, भाई तुझे घबराओ ना, दो महीने बाद भी आकर अगर आप पेमेंट लोगे, वॉट एवर प्राइस विल बी इन द मार्केट, वी विल गिव यू व्हाट? 74 आज की डेट का प्राइस. ऐसा कराने को क्या कहते हैं? मैंने हेजिंग करा के अपनी रिस्क को क्या कर लिया? मैनेज. वेल, होती कैसे है? हेजिंग कराने को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट. मैंने अपने रिस्क को मैनेज कर लिया. भाई ठीक है, खुश होने का मौका मिलेगा अगर ये हो गया तो. भाई चांसेस अपन ही ले रहे. सॉरी, अपन 74 की खुश है. हाँ, तो फायदा भी उसका, नुकसान भी उसका. होगा कैसे? देखो, अब हम हेजिंग के लिए बैंक के पास जाएंगे, कोई तो करेगा ना. जैसे मैं इंश्योरेंस के लिए, भाई मुझे कुछ हो ना जाए, मैंने इंश्योरेंस करा ली. एक ऐसे मैं इनके पास गई, भाई इस रेट को कुछ हो ना जाए, मैंने बोला इंश्योर कर दो. जैसे मैं इंश्योरेंस लेती हूँ, उन्हें प्रीमियम देती हूँ, देती हूँ
पढ़ा था लास्ट ईयर आपने, बड़ी तरह की इंश्योरेंस होती है, मरीन इंश्योरेंस से लाइफ इंश्योरेंस से टर्म इंश्योरेंस, उनको प्रीमियम देते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना सम इंश्योर्ड चाहिए होता है ना, ऐसे ही डिपेंडिंग अपॉन आपका सम कितना है आपको हेजिंग करानी है। आप पहुंच गए, उन्होंने मेरे से कुछ चार्जेस लिए, प्रीमियम लिया, पैसा लेगा वो रिस्क लेने के, प्रीमियम क्यों करेगा भाई? टक्कर बच जाए तो 2-3 लाख मिल जाता, बेटर रहती है कि 10-20 हजार रुपए सुन तो ले, किस्त बढ़ जाती है तो रिस्क कवर भी तो बढ़ रहा है। सुनिए, आपको जब टक्कर होगी तो 2 लाख रुपए ले लिया, कुछ 20 हजार देते थे 2 लाख आहा, टक्कर ना हो तो तकलीफ बड़ी होती है, 20 हजार खराब हो गए, वो भाई टक्कर जरूर मारनी है, कई लोग तोड़ के ले लेते हैं, बड़ी वो बेचने से पहले करते हैं सारा क्लेम क्लूम ले लो, फिर बेचनी होती है ना अगले वाले को महंगी भाई, तो सोच ही इतना है, फिर ऐसे कर देते हैं खुद घंटे घंटे मार के गाड़ी तोड़ लेते हैं, इंश्योरेंस क्लेम ले लेते हैं, ठीक करा लेते हैं, फिर उसे बेच देते हैं। अब इंश्योरेंस अगले साल जो मिलेगा वो महंगा होगा, क्योंकि एक बार क्लेम ले लिया ऐसे ही होगा, वो महंगा होगा तो किसको होगा, जो तू बेच के अगला पे लेगा, सेल्फिश पीपल ऐसे ही करते, मुझे पता है एक बार में अपनी गाड़ी नहीं करा ली तो देखो डंडे मार रहे ऐसे अपनी गाड़ी को, ये क्या कर रहे हैं, तो क्लेम ले रहे हैं, तोड़ना क्यों है, कहता बची नहीं ना तो मार ले बाहर जाके भाई, नहीं बची शुक्र कर। ऐसे बंदे ने दिए, सेम मैंने दिए 50 हजार इंश्योरेंस के लिए, और 10 लाख का इंश्योर, मर गए तो 10 मिलेंगे, नहीं मरे तो गए, मरना जरूरी है ऐसे ही है। मतलब भाई अगर पैसे ले लिए तो पूल है, किसी को नुकसान और इंश्योरेंस क्या होता है, इट्स अ पूल वेयर एवरीबॉडी पुट इन मनी टुगेदर, किसी की टांग टूटी उसको दे दिए, यही होता है, किसी की नहीं टूटी उसके गए, बस तोड़नी ही है ना, इट मीन इन्होंने जो इंश्योरेंस की आपकी उसे कुछ पैसा लिया आपसे किसी बात का कि भाई बढ़ गए तो भी मेरे नुकसान तो भी मेरा, हम चाहते हैं सिर्फ नुकसान का और फायदा नहीं, ऐसा नहीं होता इंश्योरेंस में, बोथ वेज इट इज देयर, गॉट इट, दिस फंक्शन इज कॉल्ड हेजिंग फंक्शन। लेट्स रीच टू द पॉइंट 11.4 पेज थर्ड पॉइंट, इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। क्योंकि मैंने बोला अगर मैंने यहाँ अपनी बच्ची को पैसा ट्रांसफर करना है, that will happen on the spot. On the spot का मतलब आज भेजा, उसे पहुँच गया, मिल गया, जरूरी है। जैसे आप सेकंड सेंटर यार, अगर आप आज भी ट्रांसफर करें तो जरूरी होता है, तो एप्लीकेशन सेकंड सेंटर पर बंदे होगा। ओह, ऐसे नहीं सोच रहे हम, ऐसे तो आप इसकी मैक्रो बोल रहे हो, पहले तो थोड़ा ही ज्यादा बड़ा करना है, सैटरडे आज छुट्टी है, दिवाली है, नहीं हम जनरल कह रहे हैं, इट इज अ डेली नेचर, और ट्रांसफर्स आर आल्सो डेली नेचर। मैंने अगर आज ट्रांसफर किया तो मकसद क्या है, उसे मिल जाए, ठीक है कल संडे परसों मिल जाए, ट्रांसफर का मतलब इमीडिएटली डन एंड दे कैन गेट इट, इट्स रीच्ड देयर, अब छुट्टी है वो जाके नहीं ले सकते, दैट्स अ सेपरेट कंसर्न। क्रेडिट फंक्शन मींस आई बुक्ड इट टुडे बट इट इज नॉट गोइंग टू कम टुमारो, इट विल हैपन इवन आफ्टर 1 मंथ और मेबी 2 मंथ्स, तो बिजनेस में होता है ये, ऑन द स्पॉट नहीं होता। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, बाद में, तो ये था बिजनेस, वो कौन करेगा, फॉरवर्ड मार्केट का टाइप हो गया, ठीक है। हेजिंग इज अ रिस्क टेकिंग टेक्निक, ये रहा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, क्या कर रही है, इट इज यूज्ड इन लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, जो आपको लॉस होना था आपने उसको रिस्क को मैनेज कर लिया, फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस ऑफ फॉरेन करेंसी, इट इज जनरली अडॉप्टेड बाय होम, कौन करता होगा हेजिंग, इंपोर्टर एक्सपोर्टर ही करते होंगे, हम लोग नहीं करते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एनी ट्रबल, 11.5 हमने कल कर लिया था, देखिए इस लाइन में लिखा है, नंबर 1 इट इज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, दूसरा इससे मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी जो थी रिस्क की उसे लिमिट कर दिया, कम कर लिया, किस वजह से थी, मार्केट में जो प्राइसेस चेंज हो रहे थे उसकी वजह से, ठीक है। 3 पॉइंट हाईलाइट कर लेते हैं, नोट्स पढ़ने के लिए हाईलाइटर यूज करते हैं, वो कलरफुल लगता है, ठीक है जी। 11.5 ये हमने कल कर लिया था जी, कहां से आएंगे फॉरेन एक्सचेंज,
इम्पोर्ट आएंगे कहाँ से? एक्सपोर्ट से। क्यों चाहिए फॉरेन एक्सचेंज? इम्पोर्ट के लिए। ये पढ़ लिया था हमने कल। सो 11.5 एंड 6 इज डन यस्टरडे। ओके, रीच डायरेक्टली टू 11.7 जो हमने कल स्टार्ट करा था, मेथड्स। हां जी, वो जो 11.5 वो वाला क्या नहीं पढ़ के बताइए, आप कुछ पढ़िए कल अपने पढ़िए क्या होता था। कहाँ से आपके इस फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई? वन इज एफडीआई। सप्लाई कहाँ से आती है? एक्सपोर्टर से, फॉरेन से लोग यहाँ घूमने आते हैं उससे, टूरिज्म कोई पॉइंट से। हाँ बोल, मैं आपके फॉरेन से पढ़ूंगी। ठीक है, पहले यही समझ लीजिए थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कहाँ लिंक होगा? वैसे मैंने समझाना ही था, बट उन्होंने पूछ लिया तो पहले बता रही हूँ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वॉलमार्ट, जैसे मैंने कल भी एग्जाम्पल लिया था, वॉलमार्ट ने इंडिया में काम करना था। फॉरेन कंपनी को जब भी इंडिया में काम करना है, दे विल कोलैबोरेट ऑफ कोर्स विद द लोकल कंपनी। क्यों? टू गेट टू नो बेटर अबाउट द कंट्री, दैट्स ऑलवेज फेवरेबल, क्योंकि उन्हें लोकल पता है। तो उन्होंने भारतीय मित्तल से कनेक्शन कर लिया, बोला कि 80% शेयर वॉलमार्ट का, 20% आपका। तो ऐसे केस में उन्होंने क्या करना था? वॉलमार्ट इज इन रिटेल आउटलेट्स है, उनके दिल्ली में जाइए, बहुत बड़े बड़े। तो उन्होंने कहा जी हम यहाँ आएंगे, यहाँ अपना ऑफिस खोलेंगे, अपना काम लगाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, बेचेंगे। अब इस केस में डिसीजन मेकिंग किसकी है? 80% शेयर जिसका उसकी, एसेट पे कंट्रोल किसका है? वॉलमार्ट का। सो एफडीआई के केस में वन, पेमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिगर पैसा, बहुत पैसा लगा होगा, वॉलमार्ट की चेन्स खोलनी है ऑल ओवर, सो मनी इन्वॉल्व्ड इज वेरी हाई। दूसरा ये क्या फीचर है? ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होती है। क्या वॉलमार्ट ने यहाँ खोल के सोचा होगा 5-6 महीने काम करके वापस चले जाएंगे? कोर्स नहीं, बिजनेस खोलने आए हैं, लॉन्ग टर्म सोचा होगा। तीसरा, एसेट्स और डिसीजंस पर कंट्रोल किसका? वॉलमार्ट। एफआईआई क्या है ऑन द अदर साइड? एफआईआई इज स्मॉल लेवल पर इन्वेस्टमेंट। कैसे? फॉरेन से मैं हम बैठे और मैंने सोचा कौन जाके वहां स्टोर खोले, बनाए, बेचे, छठभरा, क्या करो, वहां की किसी लोकल को इन्वेस्टमेंट ही करनी है ना, खुद क्यों काम में उलझना है, वहां की किसी लोकल कंपनी के कुछ शेयर्स ले लेते हैं। तो वहां से हमने यहाँ की किसी लोकल कंपनी के 1000 शेयर खरीद लिए, या 1-2% शेयर खरीद लिए, राइट? क्या 1% शेयर खरीदने से उनका एसेट्स पे राइट हो गया? क्या डिसीजन मेकिंग में उनका कंट्रोल है? दे आर ओनली शेयरिंग व्हाट? प्रॉफिट और लॉस, शेयर होल्डर यही होते हैं। ना तो उनका कंट्रोल है उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग पे, ना एसेट पे, किसमें नहीं, और ये छोटे लेवल पर होती है। 80% शेयर में 1% बहुत बड़ा बोल रही हूँ मैं, 1% क्या इक्विटी? जब मैंने किसी, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे होंगे तो वो थोड़ी कम दे, शेयर होल्डर्स विल हैव ओनली शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आई सेड आई विल बी योर शेयर होल्डर एंड तुम किसी चीज से कंफ्यूज कर रहे हो उसको। नहीं, किसी भी साल पढ़ो, तुम लॉजिक में नहीं समझे। वो कोई अलग टाइप के शेयर्स होंगे, पर्टिकुलर अगर इंटरनेशनल शेयर्स खरीदे तो मुझे वो कहते हैं जी हमारी कंपनी प्रॉफिट में है, ये लो डिविडेंड। ठीक है, वो दूसरी तरफ से कहते हैं जी लॉस में होगी, तुम्हारे शेयर के पैसे कट गए। बस आई एम सपोज टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद देम, बस मुझे नहीं पता आप किस टॉपिक की बात कर रहे हो, सकता है किसी पर्टिकुलर शेयर में ऐसा हो रहा हो। ठीक है, अदरवाइज शेयर होल्डर का दीज। अब हुआ क्या, मैंने उसके शेयर खरीदे, ये शॉर्ट टर्म होता है, आई मे सेल आफ्टर फ्यू मंथ्स। ठीक है ना, सो दिस इज काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दिस इज काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इट, क्लियर हो गया? अब आते हैं वापस अपने मेथड्स पर। हमने डिस्कस करने थे तीन तरह के मेथड्स हैं, कौन कौन से? फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल and managed float. Fixed कौन करता है? China follows this, although many countries does that, but China create करते हैं इसलिए India. And flexible, managed floating is Indonesia, Nigeria and all.
हमने फिक्स पढ़ना है, कल मैंने समझा दिया था, लेट्स गो रीड पेज 11.7. इट्स द रेट ऑफ एक्सचेंज दैट इज ऑफिशियली फिक्स्ड बाय हु? गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी अथॉरिटीज. इसका दूसरा नाम सर्कल कर दो या हाईलाइट करो, पेग द एक्सचेंज रेट सिस्टम. पेग क्या होता है? On a globalized platform, 156 countries are trading with each other. क्या हर कंट्री 156 के साथ ट्रेड कर रही है? No. None of the countries trading with all 156 countries. हम किसी selected countries के साथ ट्रेड करते हैं. Say, China trade करता है 25 countries के साथ, 50 के साथ. तो उसको 156 के against pegging करके इतना सारा reserve करने की जरूरत है? ऑप्शन दी गई है. IMF and the other monetary authorities have given them the option कि भाई अगर तुम्हारा ट्रेड मेजॉरिटी एक ही बंदे से है तो तुम अपने आप को उसके अगेंस्ट फिक्स कर लो. Are you getting? You can fix your currency with one currency by keeping some reserve which is in the requirement. Or you may fix your currency with basket of currencies. Maybe 20-25 जिनके साथ आपका मेजर ट्रेड है. आप 156 के लिए पैक करने के लिए इतना रिजर्व क्यों रख रहे हो जो ट्रेड है ही नहीं? मेरी बात आई समझ? अब रीड करते हैं क्या लिखा है. Here a country's government decides the worth of its currency in terms of either a fixed amount of another currency or a basket of other currencies. So they can think about 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 कितनी तो उसके अगेंस्ट वो फिक्स कर लेते हैं. That's an option available with them. Okay? What are the? ये पॉइंट अभी मैंने होल्ड कर दिया जो अगला सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स. ओके, मेरिट्स क्या है इसके? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इंश्योर्स सर्टेनिटी अबाउट द फॉरेन पेमेंट्स एंड हेंस हेल्प टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड. कल की बात याद है, मैंने बोला था ऐसे में बिजनेस क्या होता है? स्टेबल. इंटरनेशनल ट्रेड विल बी एट अ स्टेबल पोजीशन. ये रोज उठ के नहीं देखते हमने कितना बेचना है कितना नहीं, रेगुलर बेचते हैं. तो इंटरनेशनल ट्रेड इज एट अ स्टेबिलिटी पोजीशन. पॉइंट नंबर 2, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्रमोट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट. अब ऐसी कंट्री में मैंने कल बताया था दे आर द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ FDI. And FDI में भी कौन सी FDI? लॉन्ग टर्म. शायद ये नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए इनके पास लोग जाते हैं. एप्पल इज असेंबलिंग हियर, मैकडॉनल्ड्स इज गेटिंग देयर टॉयज फ्रॉम देयर. सो इट मींस बड़ी बड़ी कंपनीज, यू नेम एनी, फेरारी हैज ओपन देयर ऑफिस देयर. सो इट मींस उन्होंने प्रेफर किया लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए जिसका फायदा इनको होता है. ओके, आगे लिखा आगे, दे एनकरेज लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लोज. अच्छा जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लोज इफ मारना गिर करें. हाँ जी, if exchange rates are fluctuating, the lender and investors will not be prepared to lend. अगर ये कहीं fluctuating होता हमारी तरह, तो lender and investor would not be investing there. They would not like to invest in that country if they have a choice to invest in the fixed country. Third point, it eliminates speculative activities. Now what is speculative activity? एस्टिमेशन. हमारा बंदर रोज सवेरे उठ के देखते हैं भाई बिजनेस बढ़ेगा भी घटेगा, स्पेकुलेशन इनके यहाँ होगा नहीं होगा. ठीक है, समझ आ रही है? राइट, आगे. इफ इट अट्रैक्ट्स फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट व्हिच प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. तभी तो देर आर ऑन ग्रोथ पाथ बिकॉज़ इट प्रोड्यूसिंग गुड्स मूविंग टुवर्ड्स फ्लेक्सिबल एक्सचेंज. सेकंड पॉइंट, इट प्रमोट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट. इनका 80% काम एफडीआई पे चलता है. क्यों मिलती है? बिकॉज दे फॉलो
फायदा क्या? किसको फायदा क्या? आप किसको पैसा देना, बस आपसे लोन मांगते हैं आते हैं कोई वन जिसके पास अच्छे खासे एसेट्स नजर आते हैं आपको, एक फ्रेंड दूसरे जिसके पास बेचारे के पास कुछ है नहीं तेरे को, आप लोन किसको दोगे? मुझे क्या उसको क्यों मुझे दोगे? इससे वापस आ जाएगा, बस देसी गल करो, लगता है कि वापस दे देगा जो किसके पास एसेट्स हैं, थोड़ी सिक्योरिटी में गड्डी गुड़ी चंगी है, चाबी है, फोन फोन अच्छा है, गड़ी गुड़ी करनी है, मतलब एसेट्स है। एक बंदा जिसके बेचारे के कपड़े भी ढंग से नहीं पहन रखे उसको दोगे लोन? नहीं दोगे। क्यों? उसके पास एसेट्स वापस देने के लिए? बॉस इन्वेस्टर कहता कि इसके पास तो अलमारी में पैसा भरा पड़ा है, इसके पास पैसा डूबेगा नहीं, इसके पास कुछ नहीं पड़ा, तो रोज फ्लक्चुएशन देखता है, तो शायद हम इसलिए फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं है। हाँ बिल्कुल आते हैं हम इस पे। आपको पता है हमने स्टार्ट कहाँ से किया? 47 में मैनेज प्रोटीन, मैं बताऊंगी ये क्या होती है। फिर हमने जब 60s में हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू बड़ा पैसा आया, फ्लॉरिश किया उस टाइम पे, बड़ा अच्छा टाइम था, बड़ा था लास्ट ईयर 50s to 90s, 50s to 60s, 65-70s तक बड़ा अच्छा था। फिर हम ये थे, फिर आया पंगा 91 वाला, 91 में एलपीजी आया था, डिमांड कितनी है हमारे पास, डिफेंस कैसा है, बॉर्डर कितना सेफ है, ये सारे फैक्टर है। हमें जो अब FDI मिल रहा है एक्चुअली वो बीजेपी को नहीं मोदी को मिल रहा है। They are not giving it to the country. Only Modi is fetching that. जैसे लोग कहते हैं बीजेपी को, मैं कहती हूँ बीजेपी को वोट नहीं दे रही, किसको दे रही हूँ? I am giving vote to Modi. ऐसे ही उसके relations की वजह से, because he is trying to lead all the countries in fact. So he is going to each and every country, making familiar with them, उन्हें business दे रहा है, उनसे ले friendship हो रही है, उस चक्कर में उनको मिल रहा है। It's not because of this method. अगर इस method से तो पहले मिल जाता ना, अब इस वजह से मिल रहा। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस ड्यू टू दैट FDI कम्स। जापान ने आज तक हमारी कंट्री में पेनी नहीं दी क्योंकि दे नेवर ट्रस्ट इंडियंस। मैंने बताया था जापान और इंडिया इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, दे आर द मोस्ट ऑनेस्ट वन, वी आर द मोस्ट करप्ट वन, दे आर द मोस्ट डिसिप्लिन्ड वन, दे आर वी आर द मोस्ट इनडिसिप्लिन पीपल, बिल्कुल ऑपोजिट। वो सेकंड्स में भी लेट नहीं होते, आप घंटे भी कुछ नहीं समझ रहे, मतलब शादी के कार्ड पे 8 लिखा तो अंडरस्टूड है 10 बजे। मेरे कजन की शादी है शाम को, मैं कार्ड देख रही थी उसमें लिखा 8 बजे, मैं 10 बजे जाएंगे, फिर मैं याद किया यार इंडियन मेंटेलिटी है ना, क्योंकि होते कोई आया ही नहीं होगा। माय फादर इज वेरी डिसिप्लिन, वो तो पूरे 8 बजे पहुंचा देते थे शुरू में, फिर हमने सीखा धीरे धीरे, टेंट भी लगे होते हैं। हेलो नमस्कार जी, मैं मेटल कंपनी से, सॉरी सर बाद में बात करिए, मैं क्लास में हूँ। हम यहाँ क्या लेते थे पार्ट, ये बिल्कुल एक्जेक्टली प्राइस डिटरमिनेशन जैसा है। प्राइस लेते थे, यहाँ ले लेंगे रेट ऑफ फॉरेक्स, क्योंकि प्राइस का कोई मतलब नहीं। यहाँ क्या लेते थे सर? यहाँ क्या बैठिए, क्या लेंगे? क्वांटिटी एक्सचेंज ऑफ फॉरेक्स, राइट? तो ये डिफरेंस है, करेक्ट? अब मेरा आज का अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल 100% अटेंशन से सुनना है, उसके बाद फ्लेक्सिबल पे आ जाएंगे। ये होता कैसे भाई डिटरमिन? डीडीएसएस में भी कर गए, पर पहले ये तो बताओ कि तो देखो नोट्स में कहीं नहीं, बाद में देखेंगे कहां है। पहले ये तो बताओ कि इसका डीडी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है?
पहले ये तो बताओ कि इसका एसएस अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, बिना रीजन के हम क्यों माने डीडी एसएस डाउनवर्ड और एसएस अपवर्ड, वहां तो रीजन दिया था कहा डिमांड में व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती हाई प्राइस पे, व्हाई इट इज अपवर्ड मोर प्रॉफिट मार्जिन रीचेस मोर पीपल, इसमें तो रीजन दो पहले। सो क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर में से क्या क्या तरह के क्वेश्चन होते हैं, मेथड्स में से आएंगे, बीबीएम को मैनेज फ्लोटिंग आएगा पक्का, ठीक है, मेथड आएगा या तो दूसरा, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन होगा, द अदर स्कूल्स जनरली पुट इन दिस क्वेश्चन, तीसरा वैल्यू एडिट होगा जो इससे रिलेटेड है, जो हम कल डिस्कस करेंगे, आज अभी होगा, आज बेसिक समझेंगे, हाँ कल भी क्लास, ठीक है, फिर देखते हैं, पहले मैं रीजन दूंगी डिमांड डाउनवर्ड क्यों है और ऐसे अपवर्ड क्यों है, तब हम इसे समझे भाई ऐसा है, हम अपनी मर्जी से डीडी को हमेशा थोड़ी डाउनवर्ड लेंगे, वहां तो लॉजिक दिया था यहाँ भी तो, राइट, पहले बताओ मुझे जब वहां डिमांड कर्व बनाते थे तो यहाँ क्या लेते थे, आप क्या लेना चाहिए, रेट ऑफ फॉरेक्स लेंगे, राइट, यहाँ पर डिमांड ऑफ फॉरेक्स, राइट, यहाँ पर सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, This is supply. हाँ, मैंने उसको उधर लिख लिया, इसे मैंने यहाँ नहीं लिखा। Let's start with demand first. आपको पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? Why there is a लिखा है आंसर उसमें? Why there is a negative relation between rate of forex and demand of forex? Justify. जैसे वहाँ भी आ सकता है। Why there is a negative relation between price and demand? ठीक? अब सबसे पहले आप यहाँ Hold on, पर देखते हैं इतना आसानी है ना, सी हमने बोला इतनी वो रीजन ही है आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या तो फॉरेन एक्सचेंज की बात है, अब यहाँ सबसे पहली चीज जो पेपर में क्वेश्चन आए आपने क्या दिमाग में लाना है, आपने सोचना है who demands foreign exchange, importer या exporter, who demands foreign exchange, exporter, exporter demands foreign exchange, importer demands foreign exchange, क्यों? Because वो import करता है, सुनो ध्यान से, क्योंकि वो import करता है, उसने पैसा foreign country को देना है, तो वो RBI को कहता है, भाई $100 मैंने देने हैं, ठीक है? Who demands forex? Importer. मैंने $100 का सामान अमेरिका से मंगाया, I'm supposed to pay. मेरे पास वो नहीं है, कौन देगा मेरे पे? Country authority. Central authority देगी, भाई $100 दे दो, मैंने demand किया, ठीक हो गया? Who brings supply of foreign exchange to the country? Exporter. By selling $100 material to the other country, I brought $100 to the country. Do you agree? Yes. So export brings foreign exchange to the country. Imports take away foreign exchange. So we demand. इन्हीं का सबसे पहले दिमाग में आया। जो भी आया, एक ही आएगा दोनों में से। भाई demand तो कौन करता है importer में? अब आगे चलते हैं। जब रेट हुआ था तो ओक्यू वॉज द डिमांड, ओके, ओआर पे ओक्यू, इनका रेट, किसका रेट, फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ गया, होल्ड ऑन, क्या हुआ, बढ़ गया, इट मींस पहले डॉलर, होल्ड ऑन सुनिए, पहले डॉलर 40 का था, अगर ये दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये क्या है, वीक हो गया, तो वीक का मतलब डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट, ये 40 से 50 हुआ कि 30, क्योंकि इसके नंबर के बढ़ने से ये डेप्रिशिएट होता है, एप्रिशिएट नहीं, तो ये डेप्रिशिएट हो गया, यहां तक किसी को कोई तकलीफ, सबसे पहले अंदाजा क्या लगाया, डिमांड करता कौन है, कौन करता है, इम्पोर्टर करता है, फिर अंदाजा लगाया वो करता है, तो लेट्स सी अगर इनका रेट बढ़ता है तो भाई हमारी कंट्री का रेट गिर जाता है, हम डेप्रिशिएट होते हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये अपने आप ही वीक है, तो हम वीक हो गए, डेप्रिसिएशन, व्हाट डू डेप्रिसिएशन इंपैक्ट, व्हाट काइंड ऑफ इंपैक्ट डू मेक इट ऑन इंपोर्ट, अब कल बात की थी डेप्रिसिएशन का इंपोर्ट पर इंपैक्ट, मैं इंपोर्टर हूं, मैंने $1 का सामान फॉरेन से मंगवाया, कितने पैसे दिए, आप मुझे कितने देने पड़ रहे हैं, ज्यादा 50,
Will I ask for more reports? My reports will fall. When my reports will fall, mere payouts will also fall. I will demand less of foreign exchange. इससे आसान तरीका नहीं है समझा आई विल डिमांड लेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गॉट इट सो डिमांड विल फॉल किसकी फॉरेन एक्सचेंज एनी ट्रबल ओके कमिंग टू द सप्लाई हु ब्रिंग सप्लाई आप वहां पर एक एग्जांपल याद करके जाइए डेप्रिसिएशन उठे जाके नवा एक्सपेरिमेंट नहीं बाय चांस लिख दे भाई डेप्रिसिएशन होगी तो बताओ जो रेयरली हैपेंस ठीक है अब यहां पे भी सेम एग्जांपल जब OR था तो OQ was the supplier अब वो क्या हो गए strong तो हम क्या हो गए weak हमारे weak होने से let's check export को क्या होगा export में angle foreign का check करना है वो मुझे चार packet chips के एक dollar देते थे अब ज्यादा सामान का सेम पैसा देते हैं उनको इंडिया से सामान मंगाना सस्ता हो गया अग्री दे विल आस्क फॉर मोर गुड्स फ्रॉम इंडिया तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन से पैसा बढ़ जाएगा सो द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज ओके एनी ट्रबल Sure. इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में होगा राइट ये आंसर बीच में है वो कहां है बाद में अब आते हैं यहां मैं पहले फ्लेक्सिबल समझा रहा हूं फ्लेक्सिबल कहता है अब ये तो जस्टिफाई हो गया ना भाई डेटी एसएस डाउनवर्ड अपवर्ड क्यों है अब समझ में आता है कि भैया अगर ये पॉइंट है तो ये इक्विलिब्रियम है और यहां इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है हेलो व्हाट इफ वी कीप हाई प्राइस देयर विल बी एक्सेस सप्लाई सेम एज प्राइस डिटरमिनेशन What if we keep low? This will be excess demand. So better to keep it at the point of equilibrium. The only difference between the answer is, उठे price लिखा CFA की है, rate of foreign exchange. बस वहाँ quantity exchange लिखा था, यहाँ quantity exchange of forex लिखा. Rest the whole answer is same. ये मैंने तीन answers करा दिए, flexible अभी रह गया. अब flexible कर दूँ. It refers to a system in which exchange rate is determined by what? By forces of demand and supply of different currencies in the foreign exchange. There is underlying no official intervention. Kya isme government aayi? No. Central authorities aayi? No. फिक्सेशन ऑफ रेट के लिए नहीं आ सकती तो अट्रैक्ट मोर एंड फॉर मोर फॉरेन एक्सचेंज आ सकती है फिक्स करने के लिए नहीं आ सकती और फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई लाने के लिए आ सकती है डिमांड बढ़ाने के लिए आ सकती है इनको शिफ्ट करने के लिए आ सकती है जो पढ़ेंगे कल जैसे वहां शिफ्टिंग पड़ी है ना डीडी राइट वर्ड शिफ्ट एसएस फैक्टर्स की वजह से पढ़ा था वहां गोल ऑफ द फर्म शिफ्ट ऐसे इतने भी पढ़ा वो होगा वैल्यू एडेड क्वेश्चन जो मैं तीसरा तरीका बोला था वो आज नहीं कराया क्योंकि पहले ये डाइजेस्ट हो जाए इसलिए उसको मैंने कल के लिए होल्ड किया तब आएंगे जैसे टूरिज्म बढ़ा रहे हम टूरिज्म बढ़ा रहे तो टूरिज्म बढ़ा के होगा क्या फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई बढ़ेगी डिमांड सप्लाई इट विल इंक्रीज द सप्लाई एसएस विल शिफ्ट राइटवर्ड ये कल पड़ेगी ठीक है आज नहीं फिर कंफ्यूजन होगी फ्लेक्सिबल में आ गए नो ऑफिशियल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसका दूसरा नाम है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लेट द डिमांड एंड सप्लाई फ्लोट एंड फिक्स ओके इसलिए इसका नाम क्या है फ्लोटिंग अंडर दिस सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट द रेट ऑफ एक्सचेंज इज रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ये हर रोज भी बदल सकता है हर हफ्ते भी बदल सकता है वहां फिक्स है कि टाइम टू टाइम चेंज होता है according to the conditions of demand and supply supply of what foreign exchange merits kya hai iske merits yahan se sunne aur learn karne maine agar kal aake bola na mujhe yaad nahi aur main nahi yaad karne na maine samjhane meri jaan nikal jati hai teen chapters mein to aap aankhe khol ke dimag khol ke sun lo acche se theek hai number 1 kya is wale method mein flexible mein mujhe kisi bhi tarah ki reserve hold karne ki zarurat hai no pehla point No need to hold foreign exchange reserve.
ओके पॉइंट नंबर टू, इसके जबरदस्ती मैरिट्स बनाए हैं जबकि मैरिट्स इसके ज्यादा नहीं है, बट बनाए हैं क्योंकि चाहिए पेपर में आते। एफिशिएंसी बढ़ जाती है कहते जी, सिंस ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन इज यूज्ड। कैसे? मुझे अपने अलमारी में रिजर्व रखने की बजाय आई एम अलाउड टू यूज ईच एंड एवरी पेनी ऑन डेवलपमेंट, तो मैं अपने रिसोर्सेस को बंद रखने की बजाय ऑप्टिमम यूज कर सकती हूँ। इट्स समथिंग लाइक कुछ के भेजे बिल्कुल फ्रेश है, अनटच्ड, बंद करके रखे, उससे अच्छा क्या है? यूज इट टू द ऑप्टिमम rather than waiting for the right time to bring it out. बड़े फ्रेश बिकेंगे, हंसते हुए होते बैठे, है ना? So it means rather आप अपने रिसोर्स को एक्टिव करिए, rather आप अपने रिसोर्स को बंद करके रख दे, बेटर क्या है? अपने ग्रोथ में लगाइए। So इस एंगल पे लिखा है ये पॉइंट, एंगल समझा रही हूँ क्योंकि याद नहीं होते, भूल जाते, पता नहीं क्यों आता। थर्ड पॉइंट, बीओपी का प्रॉब्लम ऑफ ओवर और अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डेफिसिट और सरप्लस ऑफ बीओपी इज ऑटोमेटिकली सोल्ड। ये अभी तक ज्यादा समझ नहीं आएगा, जब बीओपी कल करेंगे, कल अगर शुरू कर लेंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी समझाती हूँ। अब सपोजिंग बीओपी होता क्या है? बीओपी है फॉरेन एक्सचेंज की रिसीट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट का बैलेंस। फॉरेन से कितना पैसा आया, फॉरेन कितना पैसा जाना है। अगर तो जाना ज्यादा है और आया कम, हम डेफिसिट में है, बीओपी डेफिसिट। अब मैंने पैसे देने हैं उनको और मैंने अलमारी में रखे हैं, दे नहीं रही, ये आइडल सिचुएशन है। सो ये कहते जी, ऐसी सिचुएशन में जब आप फ्लेक्सिबल में होते हैं और आपको जीरो पैसा वहां रखना है, तो आप वो सारा का सारा पैसा कहाँ लगा सकते हो? अपने डेफिसिट को ठीक करने में। मैंने बोला था जबरदस्ती बनाए, मैंने पहले बोल दिया था जबरदस्ती बनाए, तुझे किया अभी मैं, तो मैं अगला वाला देखना जो बोल रही अभी बनाए क्योंकि मैरिट चाहिए। ये पॉइंट तो ठीक ही, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, खराब नहीं बनाए। क्यों नहीं होएगा? है डेफिसिट, कंट्री चला रहे हैं बच्चों, याद रखो। हमें लगता है सिर्फ साड़ी कंट्री में प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम है ना। हम बोलते हैं हु व्हिच इज द करप्ट मोस्ट करप्ट कंट्री, अमेरिका, सेकंड करप्ट चाइना, विद मोस्ट करप्ट कंट्री असानू का इंडिया याद आता है भाई। लेकिन उनका मीडिया इज नॉट अलाउड टू शो ऑन द केसेस, साडा मीडिया बदमाश है। काम इतना हुआ होता है भड़ा भड़ा के बाबा जी ने ये कर दिया, देखिए बाबा जी की गुफा, हम पागल ही हो जाते हैं मेरे पीछे, दुनिया खत्म होने वाला। हमारा मीडिया बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करता है, वहां दे आर नॉट अलाउड, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए हम तक वो रिपोर्ट ही नहीं होता, हम तक पहुंचता ही नहीं। क्रिमिनल केसेस सबसे ज्यादा, रेप केसेस सबसे ज्यादा अमेरिका, सबसे ज्यादा अपन को लग रहा है इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया हो भाई, बार है या नहीं है कितनी, पता है तो है ही है सब जगह है। इसीलिए बीओपी डेफिसिट ज्यादा काम है जी, इंडिया बहुत सारी कंट्रीज का ही डेफिसिट है, इवन अमेरिका आल्सो बीओपी हैज डेफिसिट। अमेरिका रिजर्व प्रॉब्लम मार्क पैसा को होते क्यों नहीं होता? अमेरिकन डॉलर वीक हुआ था, अमेरिकन डॉलर 2008 में क्राइसिस जब आए तो उनकी हालत भी खत्म हड़बड़ हुई थी, उन्हें उठने में साल, उन्हें उठने में जल्दी उठ गए। एक सिंपल रूल है, अगर एक बहुत रिच बंदे का कोई लॉस हो वो समझ आता है। एक मैगी का एग्जांपल हो किसी बात पे, ये नेस्ले के साथ हुआ था तो वो बच गई, कितने हजारों करोड़ की मैगी चला दी थी। अगर ये कोई ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर होता मर गया था, उसने रिवाइव किया, कमबैक किया और उससे पहले से ज्यादा बड़ा बेच रहा है, पहले चार दिन पैकेट से छह छह आठ आठ के लेके आया, they were able to come back because they were able to come back because they had the balance strong। ऐसे ही जितनी strong country उतनी जल्दी revive करती है, जितनी weak होती जल्दी मर जाती, वो नहीं उठ पाती। stamina ले लो, जिसका immunity strong वो जल्दी revive करता है बीमारी से, जिसकी weak होगा time लगता है, that's so simple। चले आगे, okay fourth point, flexible exchange rate system। अभी अभी ये जबरदस्ती है, हमने कहा जी ये encourages mobility of capital amongst different nations। मतलब आप imagine कीजिए जो fixed country है वो favorable destination है किसके लिए? investors के लिए। foreign वाले तो यहाँ invest करते हैं, इनके अपने भी इसी में ही करते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनका पैसा safe है। हमारी country के हमारे Bollywood actors कहाँ जगह लेते हैं? दुबई में। where do they invest?
इन द फॉरेन कंट्रीज, कुछ ने तो चांद पे भी ले ली, बुकिंग होगी शाहरुख खान ने, ही बुक सम स्पेस है मून, नहीं बता, चलो पहले पैसे कितने तो लाने हैं, मून दे ले लो, हाँ फिर मामा जी का मून है ना ले लो, एक ही जगह मेरे लिए रख दो जी, मैं वहां हवा में उड़ूंगा, चलो सो इट मीन्स हमारे लोग, अब हमने इसको पॉजिटिविटी दिखाई थी, ऊपर बड़े चंगे बनते हैं, आपसे रोकने नहीं किसी ने, तो जितने मर्जी लोग, सो फ्लो ऑफ कैपिटल कैन बी हियर एंड देयर, सो इट्स फ्लेक्सिबल इन दैट, flexible although it is it a good thing for us of course not bahar ja raha hai foreign exchange wo jo palm area hai dubai ka wo sara bollywood actors hai sara koi idhar udhar koi apartment se jahan entry ban hai kyunki wo sare bollywood actors ki hai to it means yahan se paisa hum kehte hain ki assi bade changi easily baar lagaye to changi chuke ki option nahi hai na unhe lagta hai bahar paisa safe hai they invest there so humne lekin isko merit pe bolna hai शादी में सारे ऐसे नीचे बैठे थे चैरिटी नहीं रिचेस्ट देखते हैं उनकी टर्न ओवर में उस टर्न ओवर का वो क्या करते हैं कोई मतलब नहीं Zuckerberg is at 4th or 7th number. 95% of company income donate करता है। उसकी बेटी के बर्थ पे ही announced that 95% of my income I'm going to donate to charity. वो अपने 5% में वो बहुत उम्मीद करते हैं। हाँ, Warren Buffett also donates. जब इस लेवल पे आता है तो money would not be. मैंने बोला वो उसे भी। वो क्या सोने के सिक्के उठाने के लिए क्या? वो self esteem वाले उसमें आ जाना चाहिए। शायद इनके भी charities चलती रहती हैं। तो अब उनको समझ आ जाएगी कि पैसे का क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 47 स्टोरी बिल्डिंग बनाती चार बंदे रहने हम थे इतने इसके ऊपर क्या बना दोगे खुद तो बोर्ड के लिए कोई बना ले रहे लोग कोई है या वो भी बना ही सकता उसमें है चलो जी वापस आओ पकड़ लेना है ना हमको अपने यार कुछ है सीधा पास है शायद वो तो देख सकते हैं अच्छा जी मैनेज फ्लोटिंग नहीं बस ये तो पूरा करता है ये छोटा सा मैनेज फ्लोटिंग का दूसरा नाम है डर्टी फ्लोटिंग नेम इटसेल्फ सेज इट्स अ डर्टी गेम प्लीज पे अटेंशन इट टेक्स लेसर टाइम बट इट इज इंपॉर्टेंट मैनेज एंड फ्लोटिंग ये पहली दो का इधर देखो लिखा हुआ डर्टी फ्लोटिंग बीच में ये पहली दो का मिक्सचर है दूसरी वाली का नाम क्या था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कौन सी दूसरी फ्लेक्सिबल अब इसमें ये क्या करते हैं ये कहते हैं लेट डिमांड एंड सप्लाई फ्लोट एंड फिक्स द प्राइस ये पहली दो का मिक्सचर है तो दूसरे वाला एंगल चला गया भाई चलो डिमांड एंड सप्लाई को फिक्स करने दो जब फिक्स हो गई अभी भी उन्हें लगता है कि प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं क्यों आ रही है ये कंट्रीज के नेम देखो कंबोडिया नाइजीरिया इंडोनेशिया ये कोई इकोनॉमीज नहीं है 90% अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ ये तो चैरिटी पे चलते हैं देश इनकी जीडीपी जीडीपी कोई नहीं है सो इट मींस ये वो कंट्रीज है जो ज्यादा ग्रो नहीं करती इनके पास रिजर्व्स नहीं है इनके पास ट्रेड भी नहीं है अगर होता तो ये स्टेबल रहता लेकिन ये फ्लक्चुएट हो गया ध्यान इधर दो पूरा इन्होंने फिक्स कर दिया प्राइस डिमांड सप्लाई में लेकिन ये फिक्स नहीं हुआ फ्लेक्सिबल ऊपर नीचे हो रहा है हर रोज बहुत फ्लक्चुएशन आ रही है देन दे कम टू मैनेज हु कम्स मॉनेटरी अथॉरिटीज कौन आता है मॉनेटरी अथॉरिटीज इनकी कौन है मॉनेटरी अथॉरिटी सेंट्रल बैंक फिर इनका सेंट्रल बैंक आ जाता है वो कुछ रिजर्व रखता है और प्राइस को स्ट्रॉन्ग कर लेता है ये कौन सा फीचर है पहले वाले का पहले उसने दूसरा यूज किया लेट डिमांड एंड सप्लाई हुए फिर क्या किया बीच में आए थोड़ा सा रिजर्व रखा और अपनी करेंसी को स्टेबल कर दिया
इसकी स्टेबिलिटी से बिजनेस करा और उससे जो भी बिजनेस एंजॉय करना था वो ले लिया, जो उसके फायदे होने थे उसको करने के बाद वो रिजर्व निकाल लिए, यूज कर लिए, तो डर्टी गेम भी हुई ना। दे आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट, ऐसी कंट्रीज कैन ओनली थिंक अबाउट देमसेल्व्स क्योंकि उनके वहां बिजनेस नहीं है। तो क्या ऐसी कंट्री को वुड यू लाइक टू मिंगल विद सच अ पर्सन हु इज डर्टी? ऑफ कोर्स नॉट, हु इज ओनली थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ। दैट इज व्हाई दे डू नॉट गेट एफडीआई एफआईआई, बिजनेस कुछ भी नहीं, क्योंकि कौन सा। अब पूछो भाई ये क्यों नहीं फ्लेक्सिबल और वो कर लेते? फ्लेक्सिबल कब करें अगर डिमांड एंड सप्लाई उनकी कंट्री में हो, कुछ स्टेबिलिटी हो बिजनेस की, फिक्स क्यों नहीं? ऐसे हो जाए तो घर पे खाना ना बना लेते, जितने भी मोटे मोटे होते उसको रख दिया, सम अमाउंट रखा उसको रख लिया, जितनी स्टेबिलिटी हुई एंजॉय किया, बाकी उसको निकाल के फिर यूज कर लिया, क्योंकि वो ज्यादा देर रख ही नहीं सकते। दे आर सच कंट्रीज, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? समझ में आ गई? अभी तक आज के लिए इतना ही काफी है, फिर इसको स्टॉप कर दो, मैं पैटर्न के लिए फटाफट।